अलैक्म। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का सवाल जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बना देनी चाहिए। वो है ऑप्शनल ग्रुप जो है, वो कौन कौन से रखने हैं, उन्होंने किस किस तरतीब में रखने हैं CSS के फॉर्म जब वो भर के दे रहे हैं। अच्छा, आप इसको यूँ देख लें कि जो ट्रेडिशनल तरतीब चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले PS जो है वो रखा जाता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको पता है PS ऑफिसर जो है वो AC, DC, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी अथॉरिटीज़ में इधर उधर फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में काम करते हैं, यू नो इट। दूसरे नंबर पर ट्रेडिशनली PSP पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को लोग रखते हैं, ये मेल चॉइस है PSP। ख़वातीन जो हैं वो इसको बाज़ुकात छोड़ देती हैं, क्योंकि पुलिस की जॉब ख़वातीन के लिए बाज़ुकात डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं पर्सनली भी वैसे ही समझता हूँ कि लेडीज़ के लिए थोड़ी मुश्किल जॉब है ये। तीसरे नंबर पे फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान रखा जाता है। अभी FSP बेसिकली बाहर की सर्विस है, आप पाकिस्तान के एम्बेसीज़ में बाहर जाके पूरी दुनिया में सर्व कर रहे होते हैं। अब ये भी पूरी तरह बंदे की अपनी चॉइस है, जिस तरह मैंने नहीं था रखा, क्योंकि मुझे लगता था मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं रह सकता, रूट्स मेरी इतनी यहाँ पर हैं। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि वो पाकिस्तान से बाहर ना जाए, तो फिर वो इस ग्रुप को ना रखे, इसको नीचे ले जाएं, 5वें 6वें पे ले जाएं, तो आप फॉरेन सर्विस आपकी निकल जाती है। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे कस्टम्स, पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज PCS, ये इसका बनता है, तो इसको रखते हैं लोग। उसके बाद में IRS है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। अच्छा, इसके साथ पैरेलल पे एक सर्विस और MLCG रखी जाती है। MLCG चॉइस बेस्ड एक ग्रुप है, ये मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट जो कैंट एरियाज़ हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ग्रुप है। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, प्रमोशन वाइज विजिबिलिटी कम है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इसको डायरेक्टली तीसरे नंबर पे भी रख देते हैं, फॉरेन सर्विस के बाद भी रख देते हैं चौथे के ऊपर, कस्टम सर्विस से पहले। ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको चाह क्या रहे होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरतीब में भी जाएँ तो ये PCS, उसके बाद MLCG, उसके बाद IRS, ये यहीं करके इसका मेरिट जो है ये फॉल कर रहा होता है, यहीं करके गिर रहा होता है। IRS इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज को कहते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज की, PAAS, इसको लोग रखते हैं। और जिसमें आप सर्विस आपकी जो ऑडिट एंड अकाउंट से मुतलक है, फेडरल पर प्रोविंस, इसमें आप सर्व कर रहे होते हैं। फिर कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप नॉर्मली लोग रखते हैं, CTG जो है इसकी बारी आ जाती है, जो कि पाकिस्तान के जो ओवरऑल ट्रेड है और बिजनेस है इसको देख रहा होता है ये वाला ग्रुप। उसके बाद में ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, OMG जो है, इसके अंदर आप फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर जॉब कर रहे होते हैं, डेपुटेशन पे सूबों में भी आ जाते हैं, ग्रोथ इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, और फिर उसके बाद में तीन ग्रुप्स रह जाते हैं, उन तीन को ऊपर नीचे करके लोग रख रहे होते हैं, जिसके बीच में इंफॉर्मेशन है, रेलवे है और पोस्टल सर्विसेज है। इंफॉर्मेशन ग्रुप बेसिकली ये जो PROs लगते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन, पब्लिक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच में उनकी जॉब है, मिनिस्ट्रीज के साथ इनकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मीडिया के साथ ये लोग अटैच होते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपने 10वें पर रखना है, 11वें पर रखना है, 12वें पर रखना है। उसके बाद रेलवे है, रेलवे ग्रुप, ये बेसिकली ये जो पाकिस्तान रेलवेज है इसकी सर्विसेज है इनकी। एज एन ऑफिसर जब आप रेलवे में जाते हैं तो अच्छे पर्क्स हैं इसके बीच में भी, घर शहर भी मिल जाता है तमाम कुलीग्स को, मैंने देखा है। और उसके बाद पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, ये जो हमारे महकमे डाक है इसकी सर्विसेज है। और अब इन तीनों में से ऊपर नीचे किसको रखना है, ये आपका अपना जो है वो चॉइस होता है। मैं अगर रखूँ, मैं नहीं बताता मैंने किसको रखना है। मेरे दोस्त जो मुख्तलिफ ग्रुपों वाले हैं वो गालियाँ भी दे सकते हैं इस बात पे मुझे, तो मैं इस पे छोड़ देता हूँ। सिर्फ मैंने आपको जनरल ट्रेंड बताया कि कुछ लोग जो है वो पोस्टल को 12वें पे रखते हैं, कुछ पोस्टल को 11वें पे रखते हैं, कुछ उसको 10 पे भी रख लेते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को 12वें पे कर देते हैं, कुछ 10वें पे, कुछ 11वें पे। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन नॉर्मली लास्ट स्लॉट के बीच में तीन ग्रुप हैं। ओवरऑल सारे ग्रुप अच्छे होते हैं यार, मैं आपको बताऊँ। ये जो ऊपर नीचे हम इनको कर रहे होते हैं, ये इनका अपना कंपैरिजन है कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में क्या प्लस क्या माइनस, लाइक दिस। अदरवाइज आप पाकिस्तान की किसी भी सर्विस इनको जब कंपेयर करें तो आपको लग रहा होता है कि ये बड़ी अच्छी जगह के ऊपर आप हैं, आपकी ग्रोथ भी है, रिकग्निशन भी है, आप ग्रो भी कर रहे हैं और पर्क्स भी आपको मुनासिब और अच्छे मिल रहे होते हैं, एलिवेशन चल रही होती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुली हुई होती हैं। अल्लाह ताला आप सब के लिए खैर का मामला फरमाए, हम सब के लिए खैर का मामला फरमाए। थैंक यू वेरी मच।